हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे गाइस? आप होप करता हो गाइस बहुत ही बढ़िया होंगे। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, काफ़ी मतलब धमाकेदार, ज़बरदस्त और एकदम कड़कदार वीडियो होने वाला। बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ इस तरह का जो शानदार ट्रेंडिंग में स्टेटस चल रहा है, आप इस तरह का स्टेटस कैसे बनाओगे। अभी मैं आपको इसका प्रूव भी दिखाऊंगा, आगे प्रीव्यू देखना गाइस। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, इस तरह का ट्रेंडिंग वीडियो आपको कैसे बनाना है, बस जो भी एकदम सिंपल स्टेप्स करके मैंने आपको बताया। और गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ यार, टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो यार ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट और जो भी मटेरियल मिलता रहेगा, और टॉप 5 जो भी कमेंट्स करेगा गाइज, उनके रिगार्डिंग यहाँ पे जो है कमेंट्स आते रहेंगे, तो एक तरह का मतलब आपका भी यहाँ पे नाम आ जाएगा अगर आप जो गाइज यहाँ पे जो मतलब ये करोगे, कमेंट्स करोगे तो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं बना रहा हूँ गाइज, बिकॉज आपको जो भी सिंपल स्टेप्स करके मैंने बताया, तो एंड तक देखो, पसंद आए तो लाइक करो। तो चलो दोस्तों, फिर बिना टाइम इसके फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, इस तरह का शानदार स्टेटस वीडियो बनाने के लिए क्या करना, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पे जाना है और वहाँ से कोई भी आपको एक शायरी जो है कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे जो है गाइस, मैं एक शायरी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, तो यही वाला जो शायरी है फॉर एग्जांपल। तो क्या करना, सिंपली से आपको इसे नोट्स में या फिर आप डायरेक्टली वहाँ से इसे क्रॉप कर सकते हो। तो इस तरह से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है, और यहाँ पे जो टेक्स्ट का बटन है उस पर डबल टैप करके इस तरह से आपको पेस्ट कर लेना है। जैसे आप पेस्ट करोगे, आपके हिसाब से इसे अच्छे से मतलब एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको फॉन्ट कौन सा डालना है वो भी मैं आपको बता दूंगा गाइस। इस तरह से आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। लगाने के बाद क्या करना गाइस, इसका जो कलर रहना वो आपको यहाँ पे ब्लैक रख देना है। ब्लैक रखने के बाद क्या करना, सिंपली फॉन्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है, माय फॉन्ट पे जाना है, और यहाँ से गाइस आपको एक फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना है, जिसका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा फॉन्ट है, ये वाला फॉन्ट देख सकते हो इस तरह का, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो ये करने के बाद साइज़ पर जाना है। साइज़ पर जाने के बाद साइज़ को यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और अच्छे से इसे एडजस्ट कर लेना आपके हिसाब से। तो यहाँ पे मैं 2 लाइन में इसे रखूँगा। और ये करने के बाद फिर से टेक्स्ट पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद क्या करना है गाइज, आपको सिंपल सा कोई भी एक इमोजी दे देना है, ठीक है। तो ये वाला इमोजी यहाँ पे मस्त रहेगा, और ओके पे क्लिक करना। अभी ये यहाँ पे क्या कर मतलब नॉर्मल इमोजी लग रहा है गाइज, तो यहाँ पे हम एप्पल ईएनजी में इसे इमोजी में क्रिएट करेंगे। तो फॉन्ट पे जाना है, और यहाँ पे जो है इसे सिंपली सा एप्पल इमोजी का देख सकते हो फॉन्ट है, वो आपको फॉन्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया एक बार, ये हो गया, ठीक है। ये वाला आपको जो है मतलब मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो, तो मतलब एकदम प्रोफेशनल लगेगा। अभी यहाँ पे आना है और यहाँ पे ट्रांसफर कर देना इसे, ठीक है। ट्रांसफर करोगे तो जो भी बैकग्राउंड है यहाँ से आपका रिमूव हो जाएगा। सिंपली सा सेव एज इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ से क्या करना है, आपको अल्ट्रा पे क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, ये करने के बाद क्या करना है, सिंपली से अलाइट मोशन एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करोगे गाइस, यहाँ से आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। जो रेशियो आपको चाहिए ना, वो रेशियो आपको यहाँ पे ले लेना। तो मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन रेशियो ले लेता हूँ, और इस क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो इस प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो पे चले जाना है। यहाँ से आपको जो भी फ़ोटो का स्टेटस मतलब बनाना है, वो फ़ोटो आपको यहाँ पर ले लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये फ़ोटो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, तो इसे इस तरह से रख लेना है। रखने के बाद मूव एंड ट्रांसपोर्ट पे जाना है, और थोड़ा सा इसे फुल स्क्रीन कर देना है। इस तरह से मतलब फ़ोटो को यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। और फोटो को एडजस्ट करने के बाद प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, ऑडियो पे चले जाना है, और यहाँ से जो है आपको मतलब कोई भी एक ऑडियो ले लेना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये तो सॉन्ग दूसरा आ गया, यहाँ पर मैं एक सॉन्ग दूसरा ले लेता हूँ गाइस, मतलब एक अच्छा वाला सॉन्ग यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ये वाला सॉन्ग यहाँ पे हो गया। अभी जितना सॉन्ग का लेंथ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जो स्टेटस है 15 सेकंड का बनाना चाहता हूँ, तो इस लेयर पे क्लिक करना है डायरेक्टली, सेकंड वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना, तो जितना आपका लेयर मतलब म्यूजिक था उतना फोटो हो जाएगा। अभी क्या करना है, सिंपली सा इस प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, और ये वाला जो शेप दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। सिंपल सा 3 डॉट पर क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन कर देना है, और फुल स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से पूरी तरह से ढक लेना है। कलर कोई भी रहेगा चलेगा गाइज, ठीक है। इसे भी हम एंड तक लेके आ जाते हैं। अभी क्या करना है, ये जो रेक्टेंगुलर आपने सेलेक्ट किया है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कलर एंड फील वाला ऑप्शन पे चले जाना है, और यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको ले लेना है। लेने के बाद क्या करना है, ये जो एरो दिख रहा है आपको इस तरह से आपको इसे नीचे लेना है, और इसको यहाँ से आपको ऊपर लेना है। ऊपर लेने के बाद इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। अभी अब आपके हिसाब से इसे अच्छे से एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद बैक आ जाना है, और ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लाइटन पे चले जाना है, और स्क्रीन पर टैप कर लेना है। जैसे टैप करोगे देख सकते हो यहाँ पे जो है इफेक्ट लग गया, और लगने के बाद जो है इसे ऐसे ही रहने दीजिए।
उसके बाद प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना, इमेज एंड वीडियो पे चले जाना है। जो पिक्सल लैब से गाइस आपने पीएनजी क्रिएट किया था ना, वो पीएनजी आपको सेलेक्ट करना है और इसे यहाँ से आपको लगा देना है। ठीक है, लगाने के बाद क्या करना है, एंड वाले पॉइंट पे आना है और इसे इस तरह से जो है एंड तक लेके जाना है। देख सकते हो यहाँ पे जो मतलब शायरी भी लग गया और शेडो इफेक्ट भी लग गया। सिंपल से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे इमेज एंड वीडियो पे चले जाना है, स्नो इफेक्ट यहाँ पे ऐड कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो मैं सारे मटेरियल का लिंक एक साथ डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आप इसे यूज़ भी मतलब कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मटेरियल कैसे डाउनलोड करना है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, आप पहले वो वीडियो देख सकते हो। तो सिंपली सा ये स्नो इफेक्ट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। लेने के बाद आपको इसे जो है रोटेशन वाला ऑप्शन पे जाना है, इसे 90 डिग्री पे रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद इसे मूव एंड ट्रांसपोर्ट पे जाके फुल स्क्रीन कर देंगे। फुल स्क्रीन करने के बाद ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी पे जाना, लाइट एंड पे क्लिक करके स्क्रीन कर देना है। अब इसका जो ऑपेसिटी है ना वो आपको 80% तक रखना है और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा ना गाइस आपको यहाँ पर रिमूव कर देना है। ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट हमें यहाँ पर कोई भी नहीं रखना है गाइस। तो यहाँ पर जो भी मैं इसे एंड तक लेके आ जाता हूँ। अब यहाँ पे स्टेटस का इस ऑलमोस्ट देख सकते हो, यहाँ पे हमारा रेडी हो गया। अगर ये जो फॉन्ट है इसमें आपको कुछ कलर चेंज करना है तो आप पिक्सेल लैब में ऑलरेडी वो कर सकते हो। प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से जो है हम इंस्टाग्राम का लोगो ऐड कर लेते हैं, मतलब उससे काफ़ी अच्छा एक यहाँ पर लगेगा। तो वो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं और इसे जो आप यहाँ पे मिडल में ऐड कर सकते हो या कॉर्नर में, जैसे आपका डिपेंड करे वैसा। अगर आपको मतलब ये ट्यूटोरियल चाहिए कि इंस्टाग्राम का लोगो कैसे बनाएं तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, मैं उस पर भी ट्यूटोरियल आपको ज़रूर लाऊंगा। तो इस तरह से एंड तक आ गया। अभी गाइस देख सकते हो, प्ले करके देख लेते कितना यार ज़बरदस्त और एकदम मस्त वीडियो हमारा बन गया है। सिंपल से इस एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करना है तो यहाँ से हमारा जो वीडियो एक्सपोर्ट करेंगे तो गैलरी में वो सेव हो जाएगा। सो गाइज होप करता हूँ गाइज यार वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना और गाइज नीचे हमारे थर्ड चैनल के लिंक मिल जाएगी, एक बार जरूर विजिट करना गाइज। वहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे जो कि आपके चैनल को ग्रोथ करेंगे और जो भी अगर कुछ डाउट रहेगा तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो गाइज मिलते अगले।